दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सैमसंग का कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करने के बारे में कि किसी भी सैमसंग मॉडल का अगर आपको कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करना है ईएफटी डोंगल से एस बूट इमेज आपको डाउनलोड करना है ईएफटी डोंगल से तो आप किस तरह से ईएफटी डोंगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान के चलिए अगर आपके पास ईएफटी डोंगल है तो कोई भी सैमसंग मोबाइल का किसी भी मॉडल का आप कॉम्बिनेशन फाइल जो है ईएफटी डोंगल के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहले आपको ईएफटी डोंगल ओपन करके आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि आप किस तरह से इस किसी भी मोबाइल का जो है किसी भी सैमसंग मॉडल का आप जो है फाइल किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि इसमें बहुत सारा फंक्शन है और उन सभी फंक्शन के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ये ईएफटी डोंगल का टूल जो है ओपन कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है सपोर्ट का, ठीक है। तो सपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे फ्री यूजर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक जो है ऑटोमेटिकली जो है आपका जो है ब्राउजर खुल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल क्रोम ब्राउजर हमारा जो ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमसे मांगा जा रहा है यूजर आईडी और पासवर्ड। तो जो यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं ईएफटी डोंगल में वही यूजर आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद तो जो डोंगल का जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर आपको डालना है, ठीक है। तो सीरियल नंबर मैंने यहाँ पहले से लिख करके रखा है, ठीक है। जिस वक्त आप लॉगिन करते हैं उसी वक्त आपको डोंगल का सीरियल नंबर नीचे में दिखाई देगा, उसे मैंने लिख करके रखा है यहाँ पे और उस डोंगल के सीरियल नंबर को मैंने यहाँ पे कॉपी करके डाल दिया। चलिए अब हम यहाँ पे इसे लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि ईएफटी डोंगल का जो साइट है वो खुल चुका है। ये फ्री साइट है, यहां पे आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए आप सेटअप भी डाउनलोड कर सकते हैं ईएफटी पे क्लिक करके और सैमसंग पे क्लिक करके। आप जो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे बूट इमेज है, ठीक है, यहां पे कॉम्बिनेशन फाइल है, फर्मवेयर है। तो जो भी आपको डाउनलोड करना है, जैसे मान के चलिए कॉम्बिनेशन फाइल में डाउनलोड करना है तो कॉम्बिनेशन पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सीरीज जो है सेलेक्ट करना है कि आपके पास मोबाइल कौन सा है, ए सीरीज का है, जे सीरीज का है, ठीक है। जो भी सीरीज है आपका वो सीरीज आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है। तो जो भी मॉडल नंबर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी मॉडल नंबर का जो फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन फाइल पे क्लिक किया तो कॉम्बिनेशन का लिंक हमको यहाँ मिल चुका है और ये कितना एमबी का है वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है आपको। ऑटोमेटिकली आपका जो यहाँ पे इंटरनेट डाउनलोड में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसे हम डाउनलोड नहीं करेंगे, ये मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने किया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।